अफ्रीका के जंगलों में दोस्तों ज़्यादातर जंगली जानवर जो कि मांसाहारी होते हैं, वह जानवर ही इस जंगल में ज़्यादा अपना जीवन गुजार पाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो शाकाहारी जानवर होते हैं जैसे भैंस, हिरण और अन्य जानवर होते हैं, वह दोस्तों इन जंगली खूंखार जानवरों का शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी इस वीडियो में कुछ भैंसी और हाइनास की लड़ाइयों के बारे में, जो कि काफ़ी खतरनाक मानी गई हैं और उन्हें हमने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन भैंसों का झुंड यहाँ पर घूम रहा था। अचानक से दोस्तों दूसरी तरफ से यहाँ पर हाइनासों का झुंड आ जाता है और दोस्तों वह इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों यह भैंसों का झुंड भी काफ़ी ताकतवर होता है और दोस्तों वह इन्हें अपने झुंड से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। यदि दोस्तों इनके झुंडों से कोई जानवर यदि एक अकेला रह जाता है तो यह दोस्तों लकड़बग्घे उसे अपने लंबे और तेज दांतों से उसे फाड़ देती हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर यह झुंडों में ही पाए जाते हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दूरी पर पहुंचने पर इनमें से एक भैंसा वहां पर इनसे अकेला छूट जाता है और यह भैंसा इन जंगली जानवरों का शिकार बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों इनके झुंडों में शेर और लकड़बग्घे दोनों शामिल हैं और जो सैनी है दोस्तों उसने उसकी गर्दन को नीचे दबोच लिया है और उसे अपना शिकार बना लिया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सैनियाँ थी वह दोस्तों अपना जो खाने का हिस्सा था वह खाकर चली गई हैं और दोस्तों अब इसे हाइना खा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरी तरफ एक और भैंसा इनके हाथ लग जाता है और दोस्तों इन लकड़बग्घों ने उसकी पूंछ को तो उखाड़ दिया है, लेकिन दोस्तों अब उसे वह पूरा खाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों इस भैंस के बच्चे को इन लकड़बग्घों ने अपना शिकार बना लिया है और उसे मार दिया है, जो कि दोस्तों अभी अभी पैदा हुआ है। यह दोस्तों इतने खतरनाक होती हैं कि दोस्तों यह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ शेर जैसे अकेले खूंखार जानवर को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके झुंडों ने किस तरह से उसके बच्चे को मार दिया है। दोस्तों फिर कुछ देर गुजरने के बाद शेर आने के बाद यह उसकी माँ को भी मार देते हैं और शेर और यह लकड़बग्घे उसे मिलकर मार देते हैं और उसे खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सिरनी जो होती है इन लकड़बग्घों को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों यह दोनों मांसाहारी होते हैं, यह दोस्तों अगर इसको नहीं खाएंगे तो यह भूखे मर जाएंगे, इसलिए दोस्तों इनमें भी कभी कभी लड़ाई होने लगती है इस खाने को लेकर। जंगलों की दोस्तों यही रीत है, यह मांसाहारी जानवर इन जानवरों को मारते हैं, इसलिए दोस्तों यह जानवर जंगलों में ज़्यादा जीते हैं अन्य शाकाहारी जानवरों की तुलना में। क्योंकि दोस्तों शाकाहारी जानवर होते हैं वह अपनी जान बचाते हुए फिरते हैं और वह ज़्यादातर झुंडों में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने किसी दूसरे भैंस के बच्चे को पकड़ लिया है जो कि एक छोटा बछड़ा है और इसके साथ दोस्तों एक लकड़बग्घा। इस लकड़बग्घे ने दोस्तों अब उसके कान को पकड़ लिया है जो कि बच्चा है, वह दोस्तों तेज़ी से चिल्ला रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी माँ को जो इस लकड़बग्घे का झुंड था उसने इस बच्चे से काफ़ी दूर कर दिया है और दोस्तों वह अब कुछ नहीं कर पा रहा है और दोस्तों लकड़बग्घा अब उसका कान भी काट कर खा गया है। धीरे धीरे दोस्तों वह उसे मार देगा और उसे अपना शिकार बना लेता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोस्तों यह उसे खाने में लगा हुआ है और उसे मार रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यह लकड़बग्घों का झुंड
जो कि एक भैंसे पर हावी हो गया है, उसे पीछे से उसकी पूंछ पर अटैक कर दिया है और दोस्तों उसकी पूंछ को उखाड़ दिया है। जो कि दोस्तों अब उसकी पूंछ को उखाड़ने के बाद वह दोस्तों अब उसे दूसरी जगह से फाड़ना शुरू कर देते हैं और उसे दोस्तों ज़मीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर दोस्तों यह हमला जानवरों के पीछे करते हैं क्योंकि दोस्तों वह उससे ही उसे वहाँ से फाड़ देते हैं और उसे ज़मीन पर गिराने की कोशिश करते हैं, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों एक भैंसा है जो कि लकड़बग्घों ने उसे पीछे से वार कर दिया है। जो भैंसा है दोस्तों इनके सामने कुछ नहीं कर पाता है और जो लकड़बग्घे होते हैं दोस्तों वह उसे नोचना और खींचना चालू कर देते हैं क्योंकि दोस्तों वह बहुत खूंखार और जंगली जानवर हैं, क्योंकि दोस्तों वह मांस पर ही निर्भर रहते हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। जंगलों की दोस्तों यही रीत है जो कि काफ़ी ख़तरनाक तरीके से इन जानवरों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह भैंसे अपनी जान बचाने के लिए इन लकड़बग्घों को भगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह बछड़ा छोटा है इसलिए दोस्तों यह इस पर हावी हो जाते हैं और फिर दोस्तों कुछ दूरी तय करने के बाद यह भैंसा अकेला उन झुंडों में से बच जाता है, लेकिन दोस्तों वह फिर लकड़बग्घे भूखे रह जाते हैं और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह भैंसा भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दोस्तों जो लकड़बग्घों का झुंड है वह दोस्तों इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक भैंसा इन लकड़बग्घों ने और शेरनों ने यहाँ पर मार गिराया है और दोस्तों इस भैंसे को लेकर लकड़बग्घों और इन शेरों में लड़ाई हो रही है और ज़्यादातर जंगलों में दोस्तों ऐसा ही होता है। लकड़बग्घे जो होते हैं दोस्तों या उस मौके का इंतज़ार करते हैं कि दोस्तों कोई जानवर किसी जानवर को मारे और वह इस पर हमला बोल दें। तो दोस्तों यहाँ पर जंगलों में काफ़ी ख़तरनाक जानवर पाए जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, जो कि काफ़ी बड़ा और खूंखार जानवर माना जाता है। एक बार उसके जबड़े में यदि कोई फंस जाए तो उसके जबड़े से निकल पाना काफ़ी मुमकिन होता है, नामुमकिन होता है, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक क्रोकोडाइल है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह भूखे खूंखार जानवर एक चीता को अपना शिकार बना लिए थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। जंगलों में दोस्तों लड़ाइयाँ भी होती हैं, जैसा कि दोस्तों इस चैंपियनजी ने इस बंदर को मार दिया है और क्रोकोडाइल ने इसे अपना शिकार बना लिया है। जंगलों में दोस्तों पैंथर से लेकर चीतास तक और लकड़बग्घों तक खूंखार जानवर पाए जाते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं। दोस्तों यह पैंथर भी काफ़ी खतरनाक होता है जो कि क्रोकोडाइल को भी अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों यह पीछे से छुपकर इस क्रोकोडाइल पर हमला बोल देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है जो कि भूखा है और उसे उसने अपना शिकार बना लिया है। दोस्तों यह काफ़ी तेज और ताकतवर माने जाते हैं जो कि क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक शिकारी को भी अपना शिकार बना लेते हैं, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्रोकोडाइल दोस्तों इस पैंथर से काफ़ी बचने की कोशिश करता है लेकिन दोस्तों यह काफ़ी ख़तरनाक होता है और उसे मार देता है। दोस्तों यह खूंखार जानवर जो कि शेर हैं, इन्होंने दो अलग अलग वर्षों को अपना शिकार बना लिया है
और उन्हें दोस्तों गर्दन पर दबोच लिया है। यह जंगलों की रीत है दोस्तों। यहाँ पर जो शाकाहारी जानवर होते हैं वह बचते हुए जंगलों में फिरते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।